उपरवास में भारी बारिश तथा सरदार सरोवर बांध से छोड़े जा रहे पानी की सीधी असर। नर्मदा नदी एक बार फिर गोड़ापुर आने के साथ डभोई तालुका के नदी किनारे के तमाम गांव को अलर्ट किया है। उपरवास में बारिश के चलते नर्मदा डैम से फिलहाल 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी सीधी असर नर्मदा नदी एक बार फिर पागल बनते हुए गोड़ापुर समान दोनों किनारे से बह रही है। डभोई तालुका के 7 गांव को अलर्ट किया है। साथ ही तमाम तंत्र की नजर ये गांव पर बाज रखी जा रही है। यात्रा धाम चांदोद स्थित से गुजरती वैसी नर्मदा नदी ने रौद्र स्वरूप धारण किया है। मल्हार राव घाट सिर्फ अब 25 जितनी सीढ़ियां से बाकी रह चुका है। पुलिस द्वारा भी यहां पर पुख्ता बंदोबस्त लगाने के साथ कोई भी प्रिय घटना घटित न हो उसको ध्यान में रखते हुए चांदोद पुलिस द्वारा नाविक तथा नागरिकों को बाढ़ के वक्त नाव लेकर नदी नहीं जाने के लिए सूचन दिए गए हैं। फिलहाल पानी का स्तर बढ़ते हुए अभी भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में नदी किनारे के तमाम गांव को भी अलर्ट करने के बीच गांव लोगों को स्थलांतरित करने की भी फर्ज आन पड़ी है। નર્મદાજીનો નજારો બે કાંઠે ઘણા વખત પણ વખતો પછી જોવા મળે છે। આ નજારાનું મૂળ કારણ મધ્યપ્રદેશની અંદર સારો એવો અવિરત ધારામાં વરસાદ વરસવાથી નર્મદા ડેમમાંથી પાણીનો નિકાલ કરવાનું જોગવાઈ કરવાની જ રહી અને એ જોગવાઈને અનુરૂપ 3,95,000 ક્યુસેક પાણી કાઢ્યું। એના થકી અત્યારે નર્મદાજીનો ઘાટ જુઓ નજારો અને સાથે સાથે જે નીચાણવાળા વિસ્તારોને આ જળની પરિસ્થિતિનો ત્યાગ તાગ મેળવવા અને સાવચેત રહેવા માટે ગઈ રાત્રિ અમારા ગામની અંદર સરપંચજીએ પણ સાયરન વગાડી લોકોને સાવચેત કર્યા અને પ્રશાસને પણ પૂરતું ધ્યાન આપી અને નીચાણવાળા વિસ્તારોની રૂબરૂ મુલાકાત લઈ અને સ્થળ સ્થિતિનો મહાવરો કર્યો।